आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस की वाउचर से जो जनरल एंट्रियाँ तैयार होती है उनको लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है, अकाउंट वाइज लेजर उनका कैसे बनता है और उस लेजर के पर्टिकुलर में क्या कुछ लिखा जाता है। गाइज, अगर आप आर्ट या अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको लेजर कैसे बनते हैं ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो गाइज शुरू करते हैं आज का ये जर्नल एंट्रियों से लेजर बनाना। तो गाइज एक बिजनेस में तीन प्रकार की बुक्स यूज होती है पूरे अकाउंटिंग और टैक्सेशन के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, परचेज, सेल, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंकिंग के वाउचर, एक्सपेंसेस के वाउचर को मेंटेन करने के लिए। तो गाइज अगर बात की जाए हमारे बुक्स कितने टाइप की होती है तो उसके अंदर बुक्स हम यूज़ करते हैं, एक बुक्स हमारी यूज होती है उसके अंदर केस बुक और एक यूज होती है जर्नल बुक। तो गाइज ये इस टाइप की बुक्स है जिसके अंदर हम ये वाउचर मेंटेन करते हैं। अब केस बुक में कौन कौन से वाउचर मेंटेन होते हैं और जर्नल बुक्स में कौन कौन से वाउचर मेंटेन होते हैं हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज इन दोनों में से जो एंट्री हम करते हैं लेजर्स की और उनकी एंट्री हमारे अकाउंट्स लेजर के अंदर पोस्टिंग कर दी जाती है जिसको हम खाता बही भी बोल देते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट की, बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स भी हमारे बिजनेस के अंदर हम कौन सी बुक्स यूज कर रहे हैं। तो गाइज एक हम यूज करते हैं इंग्लिश और एक यूज करते हैं हिंदी। अब गाइज हिंदी को हम मार्जिनी पद्धति भी बोल देते हैं। तो गाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइज अगर आपके पास बिजनेस है लेकिन आप किसी भी कंप्यूटर एड अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, यानी कि आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, आप केवल मैनुअल अकाउंट यूज करते हो, तो गाइज जो मैनुअल अकाउंटिंग यूज होती है वो हिंदी यूज होती है। और गाइज अगर हम कंप्यूटर एड की बात करें तो उसके अंदर इंग्लिश यूज होती है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टेली, बीजी वगैरह। तो गाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज इंग्लिश मोड यानी कि इंग्लिश के अंदर जो बुक लिखी जाती है वो केवल एक अकाउंटिंग के मेथड को समझने के लिए यूज होती है, जो मतलब 11th और 12th या बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट को लिए सिखाई जाती है भी क्या चीज़ डेबिट होता है, क्या चीज़ क्रेडिट होता है। लेकिन गाइज जो अगर एक्चुअलिटी की हम बात करें रियल प्रैक्टिकल लाइफ की, तो उसके अंदर अगर कोई मैनुअली अकाउंटिंग यूज करता है किसी बिजनेस के अंदर कोई, तो उसके अंदर हिंदी यूज ही होती है मार्जिनी पद्धति, उसके अंदर इंग्लिश यूज नहीं होती। गाइज ये हमें विशेष कर ध्यान रखना है। तो गाइज क्योंकि हिंदी पद्धति में कंपनी के रियल प्रैक्टिकल ओरिजिनल बुक्स जो तैयार होती है वो हिंदी में ही होती है और इंग्लिश में केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो गाइज यहाँ पे अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही बुक्स के अंदर गोल्डन रूल्स यानी डेबिट और क्रेडिट की जो परिभाषा है वो दोनों में ही बराबरी है। भी जो लेजर इंग्लिश के अंदर डेबिट होता है वो हमारे हिंदी के अंदर भी डेबिट ही होएगा, और जो इंग्लिश के अंदर लेजर क्रेडिट होएगा वो हमारे हिंदी के अंदर क्रेडिट होगा। तो मतलब डेबिट और क्रेडिट के रूल दोनों में बराबर है, यानी कि गोल्डन रूल्स दोनों में सेम है। तो गाइज अगर आप कन्फ्यूज हो कि भी दोनों में फ़र्क क्या है अगर गोल्डन रूल्स अगर बराबर है, तो गाइज फ़र्क केवल केस बुक, जर्नल बुक और हमारी जो लेजर्स होते हैं जो इनको थोड़ा सा इनकी बुक्स में जो लिखने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। तो गाइज हम ये फ़र्क क्या होता है हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइज दोनों तरह की बुक्स अकाउंट बनाना हम सीखेंगे क्योंकि हमें दोनों टाइप की बुक्स ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपको कहीं मैनुअली अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ जाए तो आप हिंदी में उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हमें कोई कंप्यूटर एड अकाउंटिंग मिल जाए तो वो कंप्यूटर एड अकाउंटिंग कैसे होती है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो गाइज हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश से। गाइज ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस रखा है, अभी डबल ट्रांजेक्शन मोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सिंगल ट्रांजेक्शन मोड। अब ये क्या चीज़ होता है जब इनका हम प्रैक्टिकली करेंगे इंग्लिश और हिंदी की बुक्स का, तब हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा भी आल लेजर क्रिएट केस एंड अदर, इसके अंदर आल के लेजर क्रिएट होते हैं बट केस का लेजर इसके अंदर नहीं बनता। अब कैसे नहीं बनता, बनता है तो कैसे बनता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गाइज हम शुरू करेंगे इंग्लिश के अंदर जो जर्नल एंट्री कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और उसके बाद उसकी लेजर के अंदर कैसे पोस्टिंग की जाती है उसके बारे में हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर एक फॉर्मेट के जरिए। तो गाइज हम चलते हैं हमारे फॉर्मेट पे। तो गाइज ये है हमारी जर्नल एंट्रियाँ जिन्होंने पिछली वीडियो में ओरिजिनल वाउचर से तैयार करी थी। गाइज ये जर्नल एंट्रियाँ कैसे बनती है तो आप हमारे चैनल पर पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको लेजर बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो गाइज हम बिल्कुल आसान भाषा में लेजर बनाना सीखेंगे।
गाइज ये वीडियो स्पेशल आर्ट या अकाउंट्स का अगर कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बनाई है। तो गाइज अगर इसे कोई भी अकाउंटेंट या कोई प्रोफेशनल लोग इसे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज हमने तैयार करी थी हमारी अकाउंट्स ऑफ बुक्स श्री श्याम ट्रेडर्स। गाइज हमारी बुक्स हमारी फर्म को लेके चल रहे हैं, यानी ये हमारी कंपनी का नाम है श्री श्याम ट्रेडर्स। और गाइज इस कंपनी के अंदर हमने दो अलग अलग डेट्स के अंदर ये जर्नल एंट्रियाँ का फॉर्मेट तैयार किया, 5 तारीख के अंदर और 6/4 के अंदर। तो गाइज हमने जो 5 तारीख की जो एंट्री करी उसका पेज नंबर हमने 1 दिया केस बुक का, और उसका केस बुक पेज नंबर 2 यानी 6 तारीख वाली का। तो गाइज ये जर्नल एंट्री कैसे बनती है इसका पिछला वीडियो जरूर देख लें, इस पर हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो गाइज इसकी लेज़र कैसे तैयार करेंगे इसको हम समझते हैं। तो गाइज हमारी पहली एंट्री थी कैश काउंट डेबिट टू राजेश कुमार, यानी कि हमने राजेश कुमार ने बिजनेस शुरू किया था 50,000 रुपये से। तो गाइज हमें इस एंट्री से कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें नरेशन के अंदर लिख रखा है इसको कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी। अब पूंजी लगाने वाला कौन हो गया, राजेश कुमार, यानी कि एक पर्सनल अकाउंट हो गया। अब एंट्री करेंगे इसकी कैश काउंट डेबिट। तो गाइज कैश काउंट डेबिट का मतलब अब हमारे बुक्स के अंदर कैश काउंट है, इसके अंदर एक बुक्स के अंदर हमारे लेजर के अंदर एक कैश का लेजर अलग से क्रिएट होएगा। तो हमने कैश का लेजर यहाँ पे अलग से क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे गाइज हमने लिखा हुआ है अकाउंट ऑफ कैश। तो कैश एंट्री थी हमारी कैश काउंट डेबिट, यानी कि कैश का लेजर जो डेबिट होएगा। तो गाइज कैश का लेजर ये आ गया और इसका डेबिट का कॉलम ये आ गया। तो अब इस कॉलम के अंदर हम 50,000 रुपये डेबिट करेंगे। और गाइज यहाँ पे डेट आ जाएगी किस तारीख को डेबिट हुए थे, 5 तारीख को। तो यहाँ पे हम डेट भी लगा देंगे। तो गाइज अब यहाँ पे आएगी बात पर्टिकुलर्स की, पर्टिकुलर्स के अंदर क्या कुछ लिखा जाएगा। तो गाइज पर्टिकुलर की लिखा जाएगा कि कैश काउंट डेबिट यानी कि पैसा आपकी दुकान के अंदर आया है, आपकी कंपनी के अंदर पैसा आया है। तो पैसे आने का कारण क्या है, क्या रीज़न है पैसा आया है, किसने दिया आपको। तो गाइज कैपिटल ने दिया था, और कैपिटल कौन है हमारा, राजेश कुमार। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर में आ जाएगा राजेश कुमार। गाइज अब इससे पहले टू लगता है भाई लगता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशल आर्ट और अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा केस बुक पेज नंबर। तो गाइज केस बुक का हमारी ये हमारी केस बुक चल रही है, तो केस बुक का पेज नंबर हमारा 1 है। तो हम इसके अंदर केस के अकाउंट में लिखेंगे पेज नंबर 1। और यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमने बनाई थी केस बुक के अंदर, यहाँ पे हमने लिखा था लेजर पेज नंबर, यानी कि ये जो केस का लेजर आपने कितने नंबर पेज पे बना हुआ है। तो ये हमारा केस का लेजर बना हुआ है पेज नंबर 3 पे, तो हम यहाँ पे देंगे 3। तो गाइज ये थी टू राजेश कुमार, टू मतलब क्रेडिट, यानी कि राजेश कुमार का जो लेजर है वो हमारा क्रेडिट होएगा। तो हम राजेश कुमार का अकाउंट को ओपन करते हैं, ये राजेश कुमार, और राजेश कुमार के क्रेडिट में 50,000 रुपये। तो ऐसे यहाँ पे डेट आ जाएगी सेम वही तारीख 5/4/2020। और यहाँ पे पर्टिकुलर लिखेंगे अब राजेश कुमार के यानी कि कैपिटल अकाउंट के जमा किए, तो जमा करने का कारण क्या था, ये हमारी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते थे कैपिटल इंट्रोड्यूस। राइट आज के इसके अंदर आप केस भी लिख सकते हो या केस कैपिटल इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हो। तो ये हमारे 1 नंबर पेज से हमारी एंट्री आई है, और ये लेजर के 1 नंबर पेज पे भी गई है। तो यहाँ पे राजेश कुमार के आगे भी 1 नंबर आ जाएगा। तो गाइज हमारी नेक्स्ट एंट्री थी किरियाना गुड GST फ्री अकाउंट डेबिट, यानी कि ये हमारा ट्रेड का अकाउंट हो गया जिससे हमारा बिजनेस है। तो गाइज हमारे किरियाना गुड्स का भी हमने लेजर बना रखा है। तो गाइज हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप बहुत सारे वीडियो के अंदर आपने देखा होगा परचेज और सेल्स का लेजर बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे परचेज और सेल्स का लेजर नहीं बना रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता परचेज और सेल का लेजर बने। पर्टिकुलर वहाँ पे एक कॉमोडिटी का नाम लिखा जाता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किरियाना गुड्स, यानी कि क्योंकि हमारा बिजनेस है जो किरियाना गुड्स का ही है। तो किरियाना गुड्स डेबिट करेंगे गाइज, अमाउंट हमारी 35,471 रुपये, और किससे हमने खरीदा है, राम इंटरप्राइजेज से। तो गाइज इसका सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे 35,471 रुपये, और यहाँ पे डेट आ जाएगी किस तारीख को, ये ट्रांजेक्शन थी हमारी 5 तारीख को। तो गाइज़ यहाँ पे किरियाना गुड्स काउंट डेबिट, यानी कि किरियाना गुड्स डेबिट हुआ। तो डेबिट कब होता है, जब हमारे बिजनेस के अंदर आता है। तो पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे भी आपने सामान खरीदा किसे था, राम इंटरप्राइजेज से। तो गाइज़ इसका नाम हम राम इंटरप्राइजेज, और इसका इनवॉइस का नंबर भी साथ में लिख देंगे 654, जो कि यहाँ पे मैंने नरेशन के अंदर दे रखा है। तो गाइज अब ये डेबिट हो गया, अब ये डेबिट कितने नंबर पेज पे हुआ है, 2 नंबर पेज पे। तो जर्नल एंट्री के अंदर पेज नंबर हम डाल देंगे 2। अब रही राम इंटरप्राइजेज की, तो राम इंटरप्राइजेज खाता क्रेडिट होएगा। तो राम इंटरप्राइजेज की लेजर हम खोलेंगे, तो अब इसके एंट्री के अंदर हम अमाउंट डालेंगे 35,471। ये हमने डाल दिया, गाइज यहाँ पे सेम वही हमारी एंट्री 5/4/2020 के अंदर। अब यानी राम इंटरप्राइजेज ये हमारे फर्म का पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट के हम क्रेडिट करें। तो क्रेडिट करने का कारण क्या होता है,
अगर हमें कोई पैसा देके जाता है तो क्रेडिट करते हैं, अगर हमें कोई सामान देता है तो क्रेडिट करेंगे। तो गाइस अभी इसके अंदर 35,400 के तरह हमें नगद उसने दिया नहीं है, उसने हमारे को सामान दिया है यानी कि किराना गुड्स उसने दिया है, तो इसका पर्टिकुलर हम डाल देंगे किराना गुड्स और इसका बिल नंबर 654। तो गाइस ये भी हमारी बुक्स नंबर 1 से एंट्री आई है और ये 4 नंबर लेजर पर पोस्टिंग हुई है, तो जर्नल एंट्री के अंदर इसके अंदर हम डाल देंगे पेज नंबर 4। तो गाइज हमारी नेक्स्ट एंट्री थी मुकेश कुमार अकाउंट डेबिट, यानी कि मुकेश कुमार का लेजर हमारा डेबिट होएगा। तो गाइज मैंने मुकेश कुमार का डेबिट यहाँ पे देख लिया और इसकी अमाउंट हमारी 2856 रुपये, तो 2856 रुपये से हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेट भी वही सेम 5/4/2020 की। अब गाइज हमने मुकेश कुमार किस टाइप का लेजर हो गया, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट किया। और पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट कब करते हैं, जब या तो हम उसको सामान देते हैं उधार तब देते हैं या उसको पैसा देते हैं तब करते हैं। तो गाइस इसी एंट्री में हमने इसको पैसा तो दिया नहीं है, हमने इसको किराना गुड्स का सामान दिया है। तो गाइस इसका पर्टिकुलर आ जाएगा किराना गुड्स और इनवॉइस नंबर इसका आ जाएगा 001 नंबर। और ये भी हमारी 1 नंबर पे ऐसे एंट्री आई है और ये 5 नंबर के लेजर पे पोस्टिंग हुई है, तो हम लेजर के अंदर भी 5 नंबर डालेंगे। तो गाइस यहाँ पर किराना गुड्स टैक्स फ्री और ये किराना गुड्स हमारा खाता जो अब ये क्रेडिट हो जाएगा 2856 रुपये से, तो इसको हम 2856 रुपये से क्रेडिट करेंगे। ये भी 5 तारीख की एंट्री है, तो 2856 किराना गुड्स क्रेडिट यानी कि बिजनेस से सामान जा रहा है, तो किसको सेल किया हमने, मुकेश कुमार को, तो इसका पर्टिकुलर हमारा बन जाएगा मुकेश कुमार बिल नंबर 001। तो गाइस ये हमारी एंट्री 1 नंबर पे से आई है और ये हमारी बुक्स पे 2 नंबर पेज पे गई है, तो हम यहाँ पर भी डाल देंगे 2 नंबर पेज। तो गाइस जब हम मुकेश कुमार की एंट्री करी तो इसका पर्टिकुलर किराना गुड्स बन गया, जब किराना गुड्स के अंदर एंट्री करी तो इसका एंट्री पर्टिकुलर मुकेश कुमार बन गया। तो आपको पर्टिकुलर में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस हमारी नेक्स्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू किराना गुड्स। गाइस इसका अगर हिंदी में अर्थ अगर बनाए तो इसका मतलब ये हो गया भी हमने नगद किराना सामान बेचा 4512 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो गाइस कैश अकाउंट डेबिट हमारा डेबिट होएगा 4512 रुपये से 5 तारीख के अंदर। अभी डेबिट होने का कैश डेबिट हुआ इसका मतलब पैसा हमारी दुकान में आया है, तो आने का कारण हमने किराना गुड्स सामान बेचा नगद किराना गुड्स बिल नंबर 002 से। ये भी हमारी 1 नंबर पे से एंट्री आई है। तो गाइस अगर इसको डेबिट किया है तो हमारा किराना गुड्स क्रेडिट भी होएगा 4512 रुपये से, तो ये हमारा 4512 रुपये से किराना क्रेडिट। अब ये भी हमारा सामान सेल हुआ है, किसको बेचा है, कैश, हमें नहीं पता था क्योंकि उसके अंदर हमने नाम ही नहीं लिखा। ये भी हमारी 1 नंबर पे से एंट्री आई है। तो गाइस अब हमारा जो कैश का जो लेजर है वो पेज नंबर 3 पे है, तो अब कैश के आगे आ जाए पेज नंबर आ जाएगा 3 और किराना गुड्स हमारा जो बना हुआ पेज नंबर 2 पे। गाइस ये नेक्स्ट एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू किराना गुड्स, सेम यही एंट्री रहेगी। अब कैश अकाउंट हमारा डेबिट होएगा 3440 रुपये से, और डेबिट होने का कारण ये भी हमने नगद सामान बेचा है बिल नंबर 003 से। ये भी 1 नंबर से एंट्री आई है और किराना गुड्स हमारा अब क्रेडिट हो जाएगा 3440 रुपये से 3440। कैसे हम एंट्री यही है, कैसे में हमने बेचा है 1 नंबर से पैसे हमारी एंट्री आई है। तो कैसे अब यहाँ पे हम एंट्री लगा देंगे, केस का पेज नंबर हमारा 3 पे है और इसका 2 पे है। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री थी हमारी बी कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश कुमार। गाइस अगर इसका अगर हम यहीं से अगर इसको सब्जेक्ट का अर्थ अगर बनाना चाहें इस लाइन से तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो यानी कि कैश डेबिट हो रहा था कैश आ रहा है टू मुकेश, इसका मतलब मुकेश दे रहा है, तो इसका अर्थ बनेगा मुकेश कुमार से 1000 रुपये नकद हमने रिसीव किए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1000 से, 5 तारीख की ट्रांजेक्शन है, तो पैसा हमारी दुकान में आया है, तो आने का कारण क्या है, किसने दिया है हमारे को पैसा, मुकेश कुमार ने, तो इसका पर्टिकुलर हमारे पास बन जाएगा मुकेश कुमार, और इसका रिसिप्ट का नंबर भी हम साथ में लिख देंगे 01, ताकि हमें पता चलता रहे भी मुकेश कुमार का पैसा कौन से रिसिप्ट नंबर के थ्रू आया है। तो कहते हम मुकेश कुमार को कर देंगे 1000 से क्रेडिट 5 तारीख में। मुकेश कुमार को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट करने का कारण क्या है भी, हम पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट तभी करते हैं या तो हमें पैसा देता है या सामान देता है तब, तो लाइन इस एंट्री के अंदर अपने सामान तो उसने दिया नहीं है, मतलब पैसा दिया है, तो हम करेंगे कैश और इसका रिसिप्ट का नंबर 01। ये भी हमारी 1 नंबर पेज से एंट्री आई है। तो ये 5 नंबर पेज पे गई है, तो मुकेश कुमार के 5 नंबर पेज पे आ जाएगी और कैश का जो लेजर है हमारा 3 नंबर पेज पे बना हुआ है।
मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी राम इंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब हो गया मैंने राम इंटरप्राइजेस को 2,000 रुपये का नगद भुगतान किया है। तो राम इंटरप्राइजेस का हम लेजर खोलेंगे और राम इंटरप्राइजेस को खाते में हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट करने का कारण क्या, हमने इसको नगद दिया है, तो नगद और इसका रिसिप्ट का नंबर 1344, तो ये इसका 1344, ये भी हमारी एक नंबर पे से एंट्री आई है। तो इसका हम नेक्स्ट एंट्री थी टू कैश, इसका मतलब कैश का लेजर हमारा क्रेडिट होएगा, तो कैश का लेजर को हम क्रेडिट करेंगे। कैसे हमें अलग अलग डिफरेंस अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, भाई कैश का डेबिट का लेजर अलग से बनाए और क्रेडिट के लिए अलग से बनाए, कैश का लेजर एक ही मेंटेन होएगा, उसमें डेबिट और क्रेडिट के दो अलग अलग बॉक्स बनेंगे। और इसमें कैसा कैश क्रेडिट हो इसका मतलब पैसा हमारी दुकान से गया है, तो जाने का कारण क्या है, हमने राम इंटरप्राइजेस को भुगतान किया है। पेज नंबर एक से एंट्री आई है और इसका यहाँ पे रिसिप्ट का नंबर भी हम लिख देंगे 1344। तो कैसे अभी इसके अंदर एंट्री हम करेंगे, ये तो एंट्री हमारी गई है पेज नंबर राम इंटरप्राइजेस का लेजर नंबर है 4, तो ये 4 नंबर पेज पर जाएगी और कैश का लेजर हमारा 3 नंबर पेज पर है। तो गाइस इस तरीके से हमारी ये 5 तारीख के जो ट्रांजेक्शन थी उनके लेजर हम सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। तो सेम इसी तरीके से 6 तारीख की भी एंट्री बनेगी। गाइस इसके अंदर हमने कुछ बैंक से संबंधित कुछ ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है, यानी कि HDFC बैंक से हमने पैसा का लेन देन कर रखा है, भुगतान वगैरह का। तो गाइस पहली एंट्री हमारी थी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका मतलब हो गया भी हमने HDFC बैंक के अंदर 20,000 रुपये नगद जमा कराए हैं। तो गाइस हम सबसे पहले HDFC बैंक का लेजर हम क्रिएट करेंगे और सबसे पहले हम डेट लगाएंगे और उसके बाद डेबिट के कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 रुपये। तो भाई अब 20,000 रुपये बैंक में हमें डेबिट किया हमने, तो इसका मतलब हमने बैंक में नगद जमा कराया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश है डिपॉजिट। तो ये हमारे बुक कैश बुक के पेज नंबर 2 से एंट्री आई है और HDFC बैंक का जो लेजर बना वो पेज नंबर 6 पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 नंबर। टू कैश यानी कि कैश का लेजर क्रेडिट होएगा 20,000 रुपये से, तो कैश का लेजर हम 20,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी 6 तारीख की ट्रांजेक्शन है, तो हम इसको 6 तारीख में ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री करेंगे इसकी। और ये कैश क्रेडिट होने का कारण क्या था, HDFC बैंक में कैश हमने जमा करवाया है। तो कैसी हमारी बुक्स की 2 नंबर पे ऐसी एंट्री आई है। तो इसका जो हमारा पेज नंबर है कैश का वो है 3 नंबर। नेक्स्ट एंट्री थी राम इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक, इसका इस एंट्री का मतलब हो गया मैंने राम इंटरप्राइजेज को HDFC बैंक के द्वारा भुगतान किया है, तो राम इंटरप्राइजेज को खाते को हम डेबिट करेंगे 12,000 रुपये से। और यहाँ पे डेट आ जाएगी इसकी 6/4 के अंदर हमने इसकी ट्रांजेक्शन करी है। तो गाइस यहाँ पर इसका HDFC बैंक और इसका चेक नंबर हम डालेंगे, भी हमने इसको चेक के थ्रू भुगतान किया है, तो कितने नंबर इसको चेक हमने दिए है ये आ जाएगा 5240000 5240000। तो गाइस ये हमारी चेक नंबर आ गया। अगर गाइस इसको हमने पिछली एंट्री में हमने इसे कैश दिया तो रिसिप्ट का नंबर लिख दिया, अब चेक दिया तो चेक का नंबर, ये हमारी 2 नंबर पे से एंट्री आई है और HDFC बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा 12,000 रुपये से। गाइस एक चीज़ डेबिट चलनी है, एक चीज़ ही क्रेडिट होएगी। तो अब यहाँ पे पैसा बैंक में से निकला है तो किसको दिया है, राम इंटरप्राइजेज को, और इसका चेक का नंबर अभी अपने यहाँ लिख देंगे, तो ये भी हमारी 2 नंबर पे से एंट्री आई है। तो गाइस यहाँ पे अब राम HDFC बैंक का जो लेजर है वो तो हमारा 6 नंबर पेज पे और राम इंटरप्राइजेज का जो लेजर नंबर है वो है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। कैसे नेक्स्ट एंट्री HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश कुमार अकाउंट, इसका मतलब हो गया कैसे हमने मुकेश कुमार से 1,000 रुपये बैंक के थ्रू प्राप्त हुए हैं, तो HDFC बैंक को हमने डेबिट किया रखा है, तो अब सिर्फ HDFC बैंक को हम करेंगे डेबिट 1,000 से, 1,000 रुपये से हमने इसको डेबिट कर दिया। 6 तारीख की ट्रांजेक्शन है तो हम बैंक को डेबिट, इसका मतलब बैंक के अंदर पैसा आया है, तो आने का कारण मुकेश कुमार से आया है और मुकेश कुमार ने कितने नंबर चेक दिया उसका चेक का नंबर भी यहाँ पर लिखा जाएगा और मुकेश कुमार खाते को हम क्रेडिट करेंगे 1,000 से। ये हमारी 6/4 की ट्रांजेक्शन है और इसका मतलब ये नगद नाने के बजाय HDFC बैंक में HDFC बैंक का नंबर और उसका चेक का नंबर भी, उसने हमारे को कितने नंबर चेक दिए हैं ये आ गया 950020, ये हमारा और ये हमारी 2 नंबर पे ऐसी एंट्री आई है। तो गाइस इसी तरीके से सारी अलग अलग एंट्री हमारी होती रहेगी। HDFC बैंक के 6 नंबर पेज पे ट्रांसफर हुई है और मुकेश कुमार की जो एंट्री है वो पेज नंबर 5 पे गई है। तो गाइस यहाँ पे एक जो पेज नंबर कैश बुक का पेज नंबर और लेजर का पेज नंबर एक दूसरे पे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं हम,
हमें यहाँ से पता चल जाए कि अभी HDFC बैंक का 6 नंबर पेज पे लेजर पे ट्रांसफर हुई है एंट्री, और ये एंट्री मुकेश कुमार वाली लेजर नंबर के 5 पे ट्रांसफर हुई है, ताकि मैं लेजर को ढूंढने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो गैस नेक्स्ट एंट्री थी हमारी विकास सन ऑफ राजू टू HDFC बैंक, इसका मतलब हमने विकास सन ऑफ राजू को HDFC बैंक के थ्रू 100 रुपये का भुगतान किया। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे विकास सन ऑफ राजू के खाते में डेबिट 100 रुपये से, और ट्रांजेक्शन हमारी यही है 6/4/2020 की, और यहाँ पर हम लिखेंगे HDFC बैंक और इसका चेक का नंबर भी, कितने नंबर चेक के थ्रू हमने इसको भुगतान किया है। तो गैस वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 00520001 से, 5001 से, और ये हमारी 2 नंबर पेज से एंट्री आई है। तो अब HDFC बैंक को हम क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से, क्योंकि पैसा हमारा बैंक में से जा रहा है, और जाने का कारण क्या था, हमने सन ऑफ विकास सन ऑफ राजू को चेक के थ्रू भुगतान किया है। तो इसका चेक का नंबर भी हम HDFC बैंक के साथ के अंदर भी लिख देंगे। तो गए अभी विकास का लेजर था हमारा 7 नंबर पेज पे, तो हम विकास का एंट्री करेंगे 7 नंबर पेज पे, और HDFC बैंक का लेजर हमारा है 6 नंबर पेज पे। गाइस नेक्स्ट एंट्री राम इंटरप्राइजेज को हमने HDFC के थ्रू भुगतान किया, लेकिन यहाँ पे हमने उसको चेक न देने के बजाय हमने इसको मोबाइल के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर ही करी है, नेट बैंकिंग वगैरह किसी भी ऐप के थ्रू। तो हम राम इंटरप्राइजेज को 1000 से डेबिट करेंगे 6/4 में। तो गाइस अब यहाँ पर भी हमने भुगतान तो HDFC बैंक के थ्रू ही किया है, लेकिन अब यहाँ पर हम चेक नंबर की बजाय हम UTR नंबर लिखेंगे जो हमारे पास SMS के द्वारा हमें मिला है। तो ये 2 नंबर पे एंट्री गई और HDFC बैंक का खाता हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। अब इसको भुगतान करने का कारण राम इंटरप्राइजेस, लेकिन अब यहाँ पर हम चेक लिखने के बजाय हम इसको UTR नंबर इसका लिखेंगे जो हमें SMS से प्राप्त होता है बैंक के जरिए। तो गए जब राम इंटरप्राइजेस का जो लेजर था वो लेजर हमारा 4 नंबर पेज पे है, और HDFC बैंक का हमारा 6 नंबर पेज से है। तो गए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश कुमार, यानी कि मुकेश कुमार के 500 रुपये हमें बैंक के अंदर प्राप्त हो गए HDFC बैंक के अंदर। तो गए उसने भी हमारा चेक के थ्रू उसने ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि उसने हमारे मोबाइल से ट्रांसफर कर दिया चेक देने के बजाय, और उसका हमने क्रेडिट नोट नंबर हमने बना रखा है। तो गए ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने सब पिछली वीडियो के अंदर बना रखा है, आप हमारा पिछली वीडियो जरूर देखने एक बार। HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, तो गाइस ये 500 रुपये से डेबिट होएगा, और यहाँ पर अब लिखा जाएगा मुकेश कुमार, और उसका UTR नंबर लिख दो आप जो SMS के थ्रू हमें मिला है, और मुकेश कुमार का लेजर अब वो 500 रुपये से भी ये क्रेडिट हो जाएगा। 6 तारीख की ट्रांजेक्शन है, और ये भी हम HDFC खाते के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम UTR नंबर डालेंगे। तो गाइस ये थी हमारी ट्रांजेक्शन, अभी इसके अंदर हमारे पेज नंबर लगा देंगे, 6 नंबर पेज पर हमारा HDFC बैंक का लेजर है, और 5 नंबर पेज पे हमारा मुकेश कुमार का लेजर है। तो गाइज इस तरीके से सारी ये जनरल एंट्रियों के लेजर तैयार होते हैं। तो जैसे जैसे गाइज हमारे पास नए लेजर क्रिएट होते जाते हैं जनरल एंट्रियों के अंदर, वैसे वैसे हमारे लेजर्स बुक्स के अंदर भी अलग अलग लेजर हमें उसको क्रिएट करने पड़ते हैं। गाइज अगर आपको इससे लेजर बनाने में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार कर देंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे अपडेट मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।